English online class. I am Himanshu Nisha, your English teacher. Today we will read a poem. The name of the poem is How Creatures Move. Creature means any bird, animal or insect. So how creatures move means कोई भी क्रीचर मतलब कोई भी बर्ड एनिमल ये सब कैसे मूव करते हैं मतलब कैसे चलते हैं इस पोएम में हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. लायन का क्या होता है? पैडेड पॉज. पैडेड पॉज मीन्स जो उनके पंजे होते हैं आप सबने देखा होगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं. तो कह रहा है कि लायन जो है अपने पैडेड पॉज पे चलते हैं. द स्क्वायर लीव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. स्क्वायरल मीन्स गिलहरी. देखा है आप सबने वो लीव्स मीन्स कूदना. वो एक ब्रांच से मतलब एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर एक डालियों से दूसरे डालियों पर वो कूदते हुए चलते हैं. व्हाई फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल. फ्लाइज मीन्स कोई भी मक्खी या कोई भी चीज जो उड़ती है वो दीवार पर सीधी चिपक कर और ऊपर जा सकते हैं. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. सील इज अ टाइप ऑफ फिश. डाइव मतलब वो नदी में और समुद्र में जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं बिल्कुल एक बार में नदी में गोते लगाते हैं बिल्कुल नीचे. डाइव मतलब बिल्कुल एक बार में छलांग लगाना पानी के अंदर. एंड स्विम और वो तैरते हैं. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. वॉर्म इज ऑल्सो अ इंसेक्ट. सिल्क वॉर्म you have all seen. He wiggles all around. Wiggles means वो रेंगते हुए चलते हैं हर तरफ. The monkey swings by his tail. और monkey कूदते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपनी टेल मतलब अपनी पूंछ हिलाते हुए. And birds may hop upon the ground. और चिड़िया जो होती है hop का मतलब कूदना वो ground पर कूदती हैं. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. और अपने पंख को खोलकर वो पूरे आसमान में उड़ती हैं. बट बॉयज एंड गर्ल्स. यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए इंसानों के लिए. वहाँ पे कह रहा है और कि बट बॉयज एंड गर्ल्स लेकिन बॉयज को और गर्ल्स को हैव मच मोर फन. इन्हें तो और भी ज़्यादा मस्ती है. क्यों? They leap and dance and walk and run. ये चल भी सकते हैं ये डांस भी कर सकते हैं ये कूद भी सकते हैं ये दौड़ भी सकते हैं मतलब हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं. तो this is your poem. Okay, we will continue with the next chapter in our next video. Thank you.